ये नीरव मोदी, ललित मोदी चोर हैं और मोदी जी हैं इन चोरों के बड़का सरदार। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र का गला घोटना है। आज जिस तरह से फांसीवाद का हमला है, जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला है, जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री देश के हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया लूटने वालों के समर्थन में खड़ा है, रमजान के मौके पर भी चोरों के खिलाफ, नीरव मोदी के खिलाफ, मेहुल चौकी के खिलाफ, ललित मोदी के खिलाफ, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा दी, इनके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का सवाल नहीं है, ये सवाल है जमहूरियत का, ये सवाल है संविधान का, ये सवाल है न्याय व्यवस्था का। जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद विपक्ष लगातार पूरे देश में हंगामा कर रहा है और कह रहा है कि ये एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है, यानी विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। देखिए राजधानी पटना के कारगिल चौक पर किस तरह से जो लेफ्ट के नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द की गई है, ये लोकतंत्र का एक तरह से मजाक है। यहाँ पर सभी पार्टी के जितने भी लेफ्ट के बड़े नेता है, विधानसभा भी आपने देखा होगा, हंगामा करते होंगे। रमजान का दिन भी आप रोजे से हैं, फिर भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज आप उठा रहे हैं। रमजान में कहीं लिखा नहीं है कोई काम धाम बंद हो जाएगा। आज जिस तरह से फांसीवाद का हमला है, जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला है, जिस तरह से देश का प्रधानमंत्री देश के हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया लूटने वालों के समर्थन में खड़ा है, ऐसे सवाल में हमारा रमजान हमें हिदायत देता है कि इस पाक रमजान के मौके पर भी चोरों के खिलाफ, नीरव मोदी के खिलाफ, मेहुल चौकी के खिलाफ, ललित मोदी के खिलाफ, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवा दी, इनके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। ये रमजान का फरमान है। क्या लगता है विपक्ष की आवाज़ को दबाने का एक बड़ा प्रयास इसको मान रहे हैं? आप भी युवा हैं, वो भी युवा नेता थे, और इस तरह से जो किया गया लगातार पूरे देश में इनका विरोध हो रहा है। बिल्कुल, ये विपक्ष रहित सरकार चलाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र का गला घोटना है। ये जमहूरी रवायत नहीं रही है, आलोचना करने का अधिकार है, सत्ता के विरुद्ध में बोलने का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। ये राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करना असल में राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित ये कदम है सरकार का, और इसलिए हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का सवाल नहीं है, ये सवाल है जमहूरियत का, ये सवाल है संविधान का, ये सवाल है न्याय व्यवस्था का, ये सवाल है इस मुल्क में बोलने की आजादी बचेगी कि नहीं बचेगी, इसका सवाल है। और इसलिए इस मुल्क को मंजूर नहीं है, मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। जो हश्र हुआ था मोदी जी का, वही जो हिटलर का हुआ था, वही ये नीरव मोदी, ललित मोदी चोर हैं और मोदी जी हैं इन चोरों के बड़का सरदार, तो इनका भी वही हाल होगा। आप लोग लगातार कहते रहे कि विपक्ष के लोगों को एकजुट होना चाहिए, विधानसभा में हमने आपको देखा, आप उस वक्त से और उससे पहले भी, लेकिन अब वक्त आया है कि अब एकजुट हो जाइए, चुनाव है। बिल्कुल, पूरे देश को, पूरे मुल्क की जनता की चट्टानी एकता की जरूरत है, और देश और जन आंदोलन से ही देश बचेगा, संविधान बचेगा। ये जो है लेफ्ट के विधायक हैं, वो सब खड़े कार्यकर्ताओं के साथ, इनका कहना है कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है, उस बर्बादी को हम होने नहीं देंगे, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए। जिस तरह से राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई, वो जमहूरी और लोकतंत्र जो व्यवस्था है उसे बर्बाद करने का प्रयास किया गया है। चुनावी भाषण के दौरान अगर मोदी सरनेम वाले लोगों को उन्होंने चोर कहा, तो इस तरह से उन पर जो कार्रवाई की गई, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और विपक्षी एकजुटता के लिए ये एक बेहतर मौका है कि सब लोग एकजुट हो जाएं।